अगर टाइटल और थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो पर रुक चुके हैं तो आपने अभी तक का सबसे सही डिसीजन लिया है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समाज की वो काली सच्चाई से रूबरू करवाने वाला हूँ जिसे सुनकर और समझकर आपका जो सोचने का तरीका है वो 360 डिग्री चेंज होने वाला है। तो मेरा ना वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आपके अगल बगल कितने ही ऐसे लोग हैं जो 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। आप लोगों का जवाब होगा कि कई लोग हैं, फैमिली मेंबर्स में भी है, पर मेरा स्टिल एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगार हैं। आप लोगों का अगेन क्वेश्चन आंसर होगा कि बहुत सारे लोग, बट आपको इसका आंसर पता है क्यों क्यों वो लोग आखिर बेरोजगार हैं? तो आप लोग कहेंगे कि कई बार कि ये एजुकेशन सिस्टम की कमी हो सकती है, ये पॉलिटिकल लोगों की दिक्कत हो सकती है, सरकार की जिम्मेवारी हो सकती है, सरकार जॉब नहीं दे रही है, बट ये सब गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई क्या है आपको पता है? आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं आपको वो एक बहुत ठोस रीजन देने वाला हूँ जिससे आपको सच में लगेगा कि भाई सर ने जो बात कही है ना वो बिल्कुल 100% ट्रूथ है। हमारे सोसाइटी में ना लोगों का एक माइंडसेट मुझे बहुत ज्यादा गलत लगता है, क्या ए चलना अपने बाप को सिखाएगा। कई बार हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं मेरा पैदा किया हुआ मुझे समझाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं समझा सकते हैं? अगर उनके पास नॉलेज ज्यादा है, अगर आपके बेटों के पास, आपकी बेटियों के पास, बट जो हमसे थोड़े से सीनियर्स लोग हैं उनको भला कौन समझाए कि आप भी एक समय बच्चे थे। और आपको ये सुनकर बहुत हंसी लगेगा कि जो हमारे दिमाग में आज जो कंफ्यूजन चलता है हमारे कैरियर को लेकर, वो क्या उसकी जो बीज है ना आज नहीं बल्कि कई साल पहले हमारे पेरेंट्स हमारे पूर्वजों के दिमाग पे रोक दी गई थी। आपको ये विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, अक्सर हमारे सोसाइटी में एक कहावत है कि डॉक्टर का बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर, और चोर का बेटा चोर। क्यों भाई, चोर का बेटा चोर क्यों बनेगा? क्या वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ नहीं सकता? क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बट शुरू से ऐसा कहावत गढ़ दिया गया है ताकि सोच भी आए तो ये आए कि चोर का बेटा चोर ही बनेगा। समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी ना, मैं बताता हूं आप लोगों को। समझ लो कि मुझे ड्राइवरी आती है, मैं ड्राइवर हूं और मैं किसी करोड़पति के घर में नौकरी कर रहा हूं। मेरी भी एक 16 साल की बेटी है और उसकी भी एक 16 साल की बेटी है। पता है मैं उसे रोज जब जाता हूं उसकी गाड़ी को सफाई करता हूं, मैं रोज जाता हूं उनको नमस्ते सर करता हूं, उनको बड़ा अच्छा लगता है और कोई इसमें गलत बात नहीं है लोगों से को नमस्ते करने में, बट उनको ये कभी भी गंवारा नहीं होगा कि मेरी बेटी आने वाला टाइम पे पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन जाए और उनको उनको नमस्ते करना पड़े। देखो ये ना डार्क रियलिटी हमारे सोसाइटी की कि जो पैसे वाले वो हैं वो और पैसे वाले बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब बनते जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है सोच, क्योंकि पैसे वाले लोगों ने ही एक सोच को क्रिएट कर दिया है। कभी आपने सरकारी स्कूल के किताब को जाकर पहली क्लास का देखना, पहली क्लास में इतना टफ किताब चूज करके दे दिया गया ना कि बच्चा डेफिनेटली कुछ नहीं बन पाए। अभी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे प्रेजेंट की गवर्नमेंट की जिन्होंने 8th बोर्ड 6th बोर्ड 9th बोर्ड जैसे 10th बोर्ड जैसे फैसिलिटीज को स्टार्ट किया जहां पे बच्चे अपनी काबिलियत के हिसाब से पढ़ रहे हैं। वरना 8वीं तक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर पास कर दिया जाता था और डेफिनेटली है कि वो बच्चे जिन्हें कुछ आता नहीं वो 9वीं और 10वीं में अटक जाएंगे। देखो ये एक बहुत बड़ा गेम है। अगर मेरी वीडियो पेरेंट्स तक पहुंच रही है, अगर मेरी वीडियो बच्चों तक पहुंच रही है, तो आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ और सोच को चेंज करने का ट्राई करो। जो पैसे वाले होते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे स्वीटली ही गरीब लोगों के माइंड में ना वो बीच को रोकते हैं। मैं नहीं सबको नहीं बोल रहा हूं बट कुछ लोग करते हैं ऐसा। मैं अक्सर देखता हूं कि पैसे वाले की जो बेटी है वो पढ़ रही है दिल्ली में, वो पढ़ रही है रांची में, बट
वो अपने घर में ड्राइवर है, नौकर है, उसके बारे में क्या बोलेगा कि अगर उसकी बेटी थोड़ी सी अच्छी मार्क्स से लाई तो क्या बोलेगा, अरे देखना मोबाइल उसको मत देना क्योंकि आजकल जमाना सही नहीं है। वो बोलेगा देखना पढ़ने के लिए बाहर मत भेजना, क्यों, क्योंकि आज का समय सही नहीं है। बट वो स्टिल अपने बेटी को बहुत स्मार्टफोन दिया और वो हर सुख सुविधाएं दिए, वो अपने बेटी को पढ़ने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में भेजे ताकि वो अच्छे से अच्छी शिक्षा पा सके। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो वैसे लोग हैं या फिर पेरेंट्स हैं वो ये क्यों नहीं बोलते कि बेटी मैंने तुम्हें स्मार्टफोन दिया है, तुम इससे देखो ये काम कर सकते हो और इसके साथ ध्यान रखना कि इसका कोई गलत यूज ना करना, बल्कि उनको ना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि उन्हें पता है ना कि अगर गरीब का बेटा या गरीब की बेटी अगर आगे बढ़ जाएगी तो जो व्यक्ति पिछले 40 साल से मुझे प्रणाम सर कर रहा था, आगे चल के अगर वो वीडियो बन जाती, सीओ बन जाती, आईएएस आईपीएस बन जाती तो उसको मुझे जाके प्रणाम सर बोलना पड़ेगा। अब आप लोगों के कई लोगों के मन में बात आता होगा कि यहां जाति भेदभाव भी होता है कि अरे छोटा जाति ऊंचा जाति, अरे ये सब प्रोपोगंडा है सर आपके दिमाग में कंफ्यूजन भरने का। क्या आपको सच में लगता है कि जातिवाद है? चलो थोड़ा सा मैं समझाता हूं। आप बोलते होगे सर आपको क्या पता क्या जातिवाद है, कभी इंटरकास्ट मैरिज करके देखो। अगर आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, एक मिनट के लिए आंख बंद करो और मेरी इस बात को रिमाइंड करो। चलो मैं अपनी बारे में बात करता हूँ। जैसे मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम टीनू झा है और मैं इंग्लिश स्पोकन का टीचर हूँ। तो झा ब्राह्मण होते हैं बट मुझे किसी छोटे कास्ट वाली लड़की से प्यार हो जाता है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंटर कास्ट मैरिज बहुत ज्यादा इंडिया में दिक्कत होती है। अब मैं अपने घर में आता हूँ और मेरे घर का वैसा माहौल नहीं है कि लोग एक्सेप्ट करें मेरे मैरिज को। मैं आया, आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे वो लड़की पसंद है, उनका क्या रिएक्शन होगा? वो ले झाड़ू ले बेलना उठाएंगे और देरा चालू करेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। लेकिन उनके किसी भी बोलने से पहले अगर मैं बोलूं कि हाँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूं जो निचली जाति की है बट वो डॉक्टर है, तो अब आप लोग जवाब दो आपका क्या आंसर होगा? या फिर वो बैंक मैनेजर है, वहां पे उनका जो साउंड है ना वो लो हो जाएगा। अगर लड़कियां हैं, अगर वो बोले कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूं जो आईएएस है, डीसी है भाई, डीएम है, या फिर नहीं भी है तो एक सफल बिजनेसमैन है, एक सरकारी नौकरी है, एक प्राइवेट नौकरी है, बट वो सफल है, आई एम 100% यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं यहां पे लव मैरिज पे डिस्कशन करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे आपके माइंड में पड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं कि यहां पे जाति जैसी कोई चीज नहीं है, यहां पे चीज है काबिलियत और सफलता। जो लोग सफल नहीं हो पाते, जो लोग काबिल नहीं हो पाते, उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और लोग चाहते हैं कि आप सफल ना हो, इसलिए आपके दिमाग में जाति धर्म जैसी चीजों के बीच को बोते हैं ताकि आप इन्हीं सब में उलझ कर रह जाओ और कभी सफल ना हो। अगर आपको पता चल जाए ना कि भाई मेरे ये बनने से, मेरे सफल होने से मेरा हर ड्रीम पूरा हो सकता है, मुझे हर वो चीज मिल सकती है, मेरे मनपसंद लोग से मेरा मैं जीवन भर साथ निभा सकता हूं, लेकिन आपके दिमाग में ये सोच वो आने ही नहीं देते। कौन? सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं और वो सोसाइटी के लोग हमारे पेरेंट्स से बहुत कनेक्ट होते हैं जो कि दिमाग में कर वैसा बीज डाल देते हैं। तो देखो बात बहुत सिंपल है कि यहाँ पे ना आपको हर वो चीज मिल सकती है बट आपको सफल होना होगा। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में सफल होना नहीं बल्कि पढ़ा लिखा हुआ होना सिखाते हैं। पता है हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़े लिखे दिखाने के लिए, पढ़े लिखे होने के लिए नहीं। मेरा बेटा एमकॉम किया हुआ है, मेरा बेटा आई डिप्लोमा किया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने तो डिग्री दिखाने के लिए पढ़ाई की है और आप दिखा रहे हो अपने सोसाइटी को। आपका तो मोटिव ही था कि आप दिखो पढ़े लिखे, तो आप तो दिख रहे हो, आपने कभी सफल होने के लिए पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे पढ़ोगे? मैंने जो फर्स्ट में क्वेश्चन बोला था ना कि क्यों है बेरोजगार, इसी वजह से बेरोजगार है क्योंकि वो उनका मोटिव था दिखाना,
माँ बाप भी बड़े गर्व से बोलते कि मेरी बेटी दिल्ली में लंदन में पढ़ रही है, बट मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन पास किया है। ये हमारे छोटे शहर में बहुत ज्यादा होता है। बट मैं बोलता हूँ कि क्या कभी उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के डिविजन या परसेंटेज देखने की कोशिश की कि वो कितने परसेंट से पास हुए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से वही चीज डाल दिया गया था। देखो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी ये बात पहुंच रही है, मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, जितने भी पेरेंट्स तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, मैं उनको आज ये बता देना चाहता हूं कि आप पढ़ाई जो कर रहे हो ना, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। मैं आप लोगों को ना एक चैलेंज देता हूं, आप लोगों के अगल बगल जितने भी दोस्त यार होंगे ना, उनमें से बस 5 लोगों को कॉल लगाओ या मिलो और उनसे पूछो कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हो। आई एम डैम श्योर कि उसमें से 4 लोगों को पता ही नहीं होगा कि मुझे बनना क्या है, और अगर पता भी होगा तो कैसे बनना वो नहीं पता होगा। कहां से बनोगे, कोई चांस ही नहीं है। आपने ग्रेजुएशन पास किया उसके बाद आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की और आप सोच रहे हो कि मुझे वकील बनना था, यार मैंने तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली। यही हो रहा है हमारी सोसाइटी में। मैंने वैसे लोगों को बहुत देखा जो ग्रेजुएशन पास करने के बाद डिप्लोमा कर रहे, उसमें काम नहीं चला पॉलिटेक्निक कर ले रहे। मैंने वैसे लोगों को देखा जिसने ग्रेजुएशन पास किया उसके बाद लगा अरे इसमें स्कोप नहीं है भाई, बीएड करना चाहिए। तो देखो बात बहुत सिंपल है कि लोगों को दिखाने के लिए मत पढ़ो, बल्कि खुद सफल होने के लिए पढ़ो और चीजों में जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करना सीखो, और सीखो कि कैसे हम अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव करो। गोल का पता नहीं, गोल की पोस्ट कहाँ है, तो गोल इधर उधर तो पता लगेगा ही ना, वही तो हो रहा है हमारे जीवन में। हमें गोल पोस्ट का नहीं पता, बस गोल किए जा रहे अंधाधुंध। कभी गोल नहीं होगा, एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपना फ्यूचर गोल डिसाइड करो और उस पर मेहनत करो। मैं लिख के देता हूं कि आप 4, 5, 6, 10, 20 गोल करोगे, लेकिन उसमें से एक गोल आपका उस गोल पोस्ट पे जाएगा ही जाएगा। तो देखो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है और बनना क्या है। जब आपको पता चल जाता है ना कि मुझे बनना क्या है और क्यों बनना है, ये दो चीजें, बनना क्या है और क्यों बनना है, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना, उस दिन आप कड़ी मेहनत करो उस चीज के पीछे, नए नए तरीके से मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो। 5 साल में मैं लिख के देता हूं कि कोई मायका लाल नहीं है जो आपको आपकी गोल तक पहुंचने से रोक सकेगा। मगर दिक्कत यहां पे कि यहां पे गोल जो है ना वो गोल गोल है, और इसी की वजह से ना मतलब लोग ग्रेजुएशन कर करके भी ना श्योर नहीं है ना क्या करना है, ग्रेजुएशन करके भी वो स्टिल बेरोजगार है। आज कोई चाय बेच के 4 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है साल का, आपको समझ आ रहा है? और यहाँ पे हमारे अंदर ऐसा माइंडसेट कर दिया गया ना कि हमें शर्म लगेगी, हमारे माइंड पे वो डेवलपमेंट कर दिए। यहाँ पे जो रईस लोग हैं वो हाफ पैंट और लोअर और टी शर्ट में घूम रहे, बट हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा हमारा माइंडसेट क्रिएट किया गया। उस जाल से निकलो, अपने गोल को डिसाइड करो, और आशा करता हूँ ना कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल की होगी। तो अपने गोल को डिसाइड करके उस गोल को अचीव करो, और अगर वीडियो को एंड तक आपने वॉच कर लिया है ना, तो इस वीडियो को अपने हर उस फ्रेंड, हर उस पेरेंट्स तक शेयर करो, ताकि उनके सोच में डेवलपमेंट हो सके। और अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर इस वीडियो को देखो, ताकि उनके अंदर भी ये जो चोर का बेटा चोर और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा वाली मिथ है ना, वो मिथ खत्म हो सके। थैंक यू।